बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी। नाज़रीन, नरान कागान एम साइट की तरफ से आपको खुश आमदेद। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ वादी कागान के सबसे बड़े सियाती मकाम वाई से ऊपर शुगरान की तरफ जा रहा हूँ। तो ये हम जा रहे हैं शुगरान में, और नाज़रीन आपको आज की अपडेट्स दे रहे हैं विंटर में शुगरान कैसा होता है। तो आइए आपको लेके चलते हैं शुगरान की तरफ। तो नाज़रीन, ये रोड नया बना है, तो इस साल मैं आपको बताता चलूँ, खुशक साली की वजह से बर्फ़बारी स्नोफॉल स्टार्ट तो हुई थी, लेकिन दोबारा फिर वो ख़त्म होगी। तो नाज़रीन, बर्फ़बारी इतनी ज़्यादा नहीं है, खुशक साली की वजह से मौसम काफ़ी तब्दील हो चुका है, लेकिन वैसे विंटर में हालात ऐसे थे कि 4x4 जीप्स ऊपर जाती थी, रोड जो आगे फ्रीज होता था, बर्फ़बारी होती थी, लेकिन आजकल हालात ये हैं कि आपकी टू व्हील गाड़ी भी बआसानी ऊपर तक जा सकती है। तो नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूं कि आजकल जो होटल्स हैं उनके रूम्स के बारे में आपको बताता चलूं कि रेट्स बिल्कुल मुनासिब है, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के आपको मिलेगा। तकरीबन ये है कि 70% ऑफ किया हुआ है, और जीप्स आगे फिर आपको सीरी पाए के लिए जीप्स अवेलेबल है शुगरान से, वाई से। तो नाज़रीन, ये रोड की हालत आप देख सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त बड़े मज़े का रोड बना हुआ है, और ये आपके सामने है, ये देख सकते हैं, और साथ ये आप दरख्त देख सकते हैं, ये कोई तीन सौ साल पुराने दरख्त हैं, देवदार के हैं और साथ ब्याड़ के हैं। नाज़रीन, ये आपके सामने दरख्त है, यही इस इलाके की खूबसूरती है, ये दरख्त। ऐसे दरख्त भी हैं जो 2500 साल पुराने दरख्त भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो नाज़रीन, ये देखें आप रोड्स की हालत। नाज़रीन, में आपको बताता चलूं कि शुगरान में इस साल जो है ज़िप लाइन भी लग गई है, ज़िप लाइन के शौकीन जो है वो इंजॉय कर सकते हैं ज़िप लाइन से। तो नाज़रीन, में आपके इलम में इजाफा करता चलूं साथ साथ कि कागान वैली के अंदर एक नई जगह है, कुलूर वैली से रास्ता होके जाता है, जिसका नाम है पपलांग, और जिसको जिसका रोड का काम जारी है, टूरिज्म डिपार्टमेंट उसको अब रोड उसका बना रहा है। तो एक नया स्पॉट नाज़रीन को देखने को मिलेगा, बहुत ही खूबसूरत वैली है, और साथ उसके एक और पॉइंट्स है जो यहाँ मांडरी से थोड़ा पहले रास्ता जाता है मनूर वैली, और उसके रोड का काम भी जारी है। वैसे 4x4 जीप तो जाती है, लेकिन टू व्हील गाड़ी नहीं जा सकती, इंशाल्लाह नेक्स्ट सीज़न तक वो भी रोड जो है काम तेज़ी से जारी है, वो भी बन जाएगा, बहुत ही खूबसूरत वैली है। तो ये आपको मैं बता रहा था कि ये दो पॉइंट्स हैं जो इंशाल्लाह नेक्स्ट सीज़न तक उनका काम जारी है, वो भी ओपन हो जाएंगे। कागान वैली के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरती है, लेकिन इतना वहाँ पे सहूलत नहीं है, रोड्स का नहीं बने हुए, जिस तक आप पैदल तो जा सकते हैं, लेकिन गाड़ी पे जाना बहुत ही मुश्किल होता है। वैसे तो आप जीप पे जाएं तो आप जा सकते हैं, लेकिन टू व्हील गाड़ी अपनी लेके जाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो नाज़रीन, शड़ान जो है वो ओपन है, वो
वो आप 4x4 गाड़ी जीप वगैरह लेके जा सकते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त आजकल मौसम जो है विंटर में बहुत ही अच्छा मौसम है, तो बहुत ही ज़बरदस्त वैली है। तो नाज़रीन में आपको बताता चलूँ कि नारान जो है 17 दिसंबर को बंद हो गया था, तो आजकल अब आप जो है कागान तक आसानी जा सकते हैं। तो कागान में भी एक अच्छा पॉइंट है आपको टूरिज़म के लिहाज से, मैदान शरीफ जिसको कहते हैं, 4x4 जीप वहाँ पे जाती है, आजकल काफ़ी लोग वहाँ पे जाते हैं एंजॉय के लिए, और बहुत ही ज़बरदस्त मौसम है, बहुत ही अच्छा आपको देखने को मिलेगा। अगर आप आना चाहें मैदान शरीफ तक तो आ सकते हैं, बासानी कोई किसी किस्म का मसला नहीं है। तो यहाँ तक रोड जो है था वो कारपेट उस पर डाल चुकी थी, इससे आगे जो है 2 से 2.5 किलोमीटर शुक्रान तक वो रोड कच्चा है, काम स्टार्ट है, इंशाल्लाह 2 मंथ तक वो भी क्लियर हो जाएगा। तो फिर आपके लिए अभी भी गाड़ी पूरी गाड़ी को आसानी जा सकती है, लेकिन रोड ठीक है लेकिन है कच्चा, तो 2 महीने तक इंशाल्लाह वो भी आपको कारपेट ऊपर शुक्रान तक लेकर जा सकती है। नाज़रीन अभी मैं आपको बताता चलूँ ये मनूर की जो चोटियाँ हैं, 7 चोटियाँ पहाड़ है, ये सामने बर्फ आपको शायद नज़र आ रही है, तो बहुत ही खूबसूरत एरिया है मनूर वैली का, जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था, रोड का काम स्टार्ट है, तो काफ़ी अच्छी है, आप यहाँ पे पैदल जा सकते हैं। आजकल आपको आबो हवा जो है बिल्कुल साफ सुथरी, और तो नाज़रीन शुक्रान से आगे फिर सिरी पार का रास्ता ओपन है, और सिरी तक आपको जीप वगैरह लेके जाएगी, फिर सिरी से आगे पाए तक जो है ना फिर आपको पैदल जाना पड़ेगा। नाज़रीन तो पाए तक आपको सीरी से पाए तक घोड़े भी वहाँ पर मौजूद हैं, वो भी लेके जाते हैं मुनासब, और सीरी तक इस टाइम जो है वो जीप आसानी जा सकती है। तो नाज़रीन हम शुक्रान पहुँचने वाले हैं, उससे पहले ये सीटर वोट होटल है, रिजॉर्ट है, बहुत ही खूबसूरत ये उसका रास्ता जाता है, फिर आगे हम निकलते हैं शुक्रान की तरफ। ये रास्ता जो है सीटर रोड का है, शुक्रान का बहुत ही खूबसूरत होटल है, रिजॉर्ट है इनके, बहुत ही अच्छा नाम है, बहुत खूबसूरत, और जो नाज़रीन हम शुक्रान पहुंचने वाले हैं, ये रोड क्रॉस करते हुए सामने शुक्रान है, और ज़िप लाइन आपको ये दिखाता चलूँगा जी, ये सामने ज़िप लाइन है शुक्रान की, तो ये हम पहुंच आए हैं शुक्रान में। आज धूप है, काफ़ी अच्छा मौसम है, और ये आप देख सकते हैं जल्दी शुक्रान, शुक्रान ये आज काफ़ी अच्छा मौसम है दस। तो ये काफ़ी लोग आए हुए हैं यहाँ पे घूमने के लिए, तो इसी के साथ मैं अपने नाज़रीन से इजाज़त चाहूँगा। इससे पहले आपने मेरा YouTube चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें,
और साथ बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आपको आसानी हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आप लगाए रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।